हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉप वाटर ड्रिंक के बारे में। इसमें कितना स्लोप दिया जाता है, कैसे निकाला जाता है स्लोप, हम निकाल के भी बताएंगे आपको। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। तो इसमें कितना स्लोप दिया जाता है, कितना परसेंटेज में दिया जाता है, कितना रेशियो में दिया जाता है, एंड तक जो है हम आपको बताएंगे। और हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था सीओ लाइन का, सीओ लाइन में कितना स्लोप दिया जाता है, उस वीडियो का लिंक हम आपको आपको इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इसमें आप देख लेना उस वीडियो को भी, उसमें कितना दिया जाता है और इसमें हम बताने वाले हैं आपको कि इसमें कितना दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये व्हाट इज स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं हम क्या स्टॉर्म वाटर ड्रेन होती क्या है। तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो होती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है ये, जो कि बारिश के पानी को बहुत तेजी से, जो बारिश होती है या जो पानी परमिएबल और नॉन परमिएबल सरफेस से जो आता है वो कलेक्ट होता है स्टॉर्म वाटर ड्रेन के अंदर में, ठीक है। तो ये एक आरसी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये इसका जो है एक पूरा नेटवर्क है इसका, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का। ये एक बिल्डिंग है, ब्लॉक है ये, ब्लॉक बी बिल्डिंग है ये। तो बिल्डिंग के चारों तरफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन दी जाती है, ठीक है। ये सारा एक दूसरे से कनेक्टिविटी कर दी जाती है और सारा का सारा पानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन से कलेक्ट होता है। एक पॉइंट के अंदर में, नियर बाई में, साइट के अंदर में एक पॉइंट बनाया जाता है, उसको हार्वेस्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं और एक सिंपल पॉइंट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये जितना भी बारिश होती है, जैसे इस पूरे एरिया में कितना भी एकड़ है, इस पूरे में जितना भी बारिश होगा वो सारा सारा का सारा पानी इस ड्रेन में जाएगा। और इसके बीच में भी जगह जगह रिचार्ज पिट दी जाती है, वो हम आपको आगे बताएंगे रिचार्ज पिट अगर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानना है रिचार्ज पिट क्या होती है, रिचार्ज पिट क्यों देते हैं, रिचार्ज पिट जो है इसका क्या फंक्शन है, तो आप कमेंट्स में जरूर डालना कि हाँ रिचार्ज पिट जो है वीडियो बनना चाहिए इस पर, ठीक है। तो हम आपको बना के जो है बताएंगे वीडियो रिचार्ज पिट के बारे में। तो सारी ये कनेक्टिविटी होती है और ये लिंक कर दिया जाता है इस पॉइंट को, पॉइंट से तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और ये सारा का सारा पानी धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है और हार्वेस्ट में भी काम लिया जाता है इस पानी को, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा क्या है, नेटवर्क है ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन का, चारों तरफ जो घूम के आती है, कनेक्टिविटी होती है, इसमें जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। तो देखिए, ये है सारा का सारा नेटवर्क जो हमने आपको पहले बता दिया है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ये पॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें जो स्लोप होता है 1:1000 का होता है स्लोप, या फिर हम कह सकते हैं इसको अगर हम परसेंटेज में 0.1%, 0.1% वो परसेंट में होता है और ये ग्रेडियंट पर रेशियो में है ये, ठीक है, 1:1000। तो 1:1000 का अगर इसमें स्लोप है तो हर एक मीटर पे कितना स्लोप आएगा, कितना एमएम का स्लोप आएगा, ये हम आपको कैलकुलेशन के साथ बताने वाले हैं, ठीक है। और टोटल कितना स्लोप आएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है, अगर ये पूरा नेटवर्क है, पूरा डिस्टेंस है, तो हम इसको जो है 1000 मीटर का एक डिस्टेंस मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग से लेके पूरा यहाँ पॉइंट तक में कितना स्लोप होगा, ठीक है, और सब में अलग अलग स्लोप होगा, ठीक है ना। लेकिन हम एक डिस्टेंस पकड़ लेते हैं कि एक किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पकड़े चलते हैं, तो उसमें कैसे हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है। इसका सेक्शन है, इसको जो बनाते हैं ये आरसीसी का प्री फैब्रिकेटेड आरसीसी मैनहोल कवर है, ठीक है ना। आरसीसी का मैनहोल कवर ये प्री फैब्रिकेटेड प्लस इसमें परफोरेटेड है, ये बीच बीच में होल होते हैं इसमें, ठीक है, ताकि जो पानी आए तो वो होल के अंदर से भी पानी नहीं अंदर चला जाए और बाकी पानी जो है इधर उधर से आएगा और इसमें चला जाता है पानी, ठीक है। तो ये देखो, ये डिस्टेंस है ये 1.86 मीटर का यहाँ से यहाँ तक, ये FGL है, फिनिश ग्राउंड लेवल, उसके ऊपर में जो है ये कवर दिया जाता है, 1500 mm का कवर है ये। इसी के बाजू में साइड से जो है वॉकवे दिया जाता है और ये इसका PCC है, 100 mm का PCC, 200 mm का ये राफ्ट दिया हुआ है और ये इसका वाटर लेवल है पानी का, इसमें इतना आता है और बाकी का ये फ्री बोर्ड का भी हम एक मार्जिन लेके चलते हैं ताकि पानी ओवरफ्लो होकर बाहर नहीं निकले। तो इस हिसाब से हम डिजाइन करते हैं इसको, इसमें वाटर ट्रेंच को, ठीक है। एक डिस्टेंस पकड़ ले लिया हमने 1000 मीटर का या 1 किलोमीटर का, देख बात एक ही है, और इसमें स्लोप हमारा 1:1000 है। तो देखो, स्टॉर्म वाटर ड्रेन हो या सीवर लाइन हो, हमेशा फाली आता है उसमें, ठीक है, राइज नहीं आता। राइज जो है रोड में आएगा, क्यों क्यों रोड रोड में राइज भी आता है, फाल भी आता है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा एक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका,
वहां से डाउन ही होना चाहिए, तभी जो है ग्रेविटेशनली वाटर फ्लो कर पाता है। या अगर नहीं है, अप डाउन है, तो हम फिर पंपिंग के जरिए जो है पानी को डिस्चार्ज करते हैं। तो ये हमने ग्रेविटेशनली डिजाइन किया है इस ट्रेन को, ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें हमेशा फॉल ही आएगा, जो ग्रेविटी के थ्रू पानी बहेगा उसके अंदर हमेशा फॉल ही आएगा, क्योंकि जब तक तो फॉल नहीं होगा तो पानी फ्लो नहीं कर पाएगा, करेक्ट है। तो देखो ये हमारा जो पिछली वीडियो में जो हमारा फॉर्मूला था वही सेम फॉर्मूला है हमारा, स्लोप ऑब्लिक ग्रेडियंट राइज या फॉल डिवाइडेड बाय रन, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसी पे हम सारा का सारा कैलकुलेशन करेंगे। स्लोप या ग्रेडियंट कितना है, 1:1000, ठीक है। देखो जो इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट मीटर में है, ठीक है, जो इसकी यूनिट होगी होगी वही इसकी होगी। अगर इसकी एमएम होगी तो इसकी और अपने आप एमएम हो जाती है, ठीक है ना। इसकी अगर मीटर में होगी, इसमें ज्यादा समझने में चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं है कि इसकी मीटर है तो इसकी मीटर कैसे होगी, ये रेशियो में है। तो जो इसकी होगी वो इसकी ऑलरेडी अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो 1:1000 इज इक्वल टू फॉल डिवाइडेड बाई 1000 मीटर, ये मीटर में है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी फॉल की, वो मीटर में निकल के आएगी। तो कैसे, 1000 से 1000 हमने डिवाइड कर दिया, तो फाल कितना हुआ, 1, मतलब 1 मीटर फाल निकल के आ गया, 1 मीटर। मतलब अगर हम 1000 मीटर जाएंगे या 1 किलोमीटर जाएंगे तो फाल हमें यहाँ पे 1 मीटर डाउन जाना होगा। तो अब हम निकालेंगे, अब हर एक मीटर में कितना फाल आने वाला है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो फाल 1 मीटर इन 1000 मीटर डिस्टेंस, सो फाल फाल इन एवरी 1 मीटर, हर एक मीटर में फाल कितना आएगा, तो फॉल इन एवरी मीटर टोटल रन लेंथ, तो टोटल रन लेंथ कितनी है हमारी, 1000 मीटर डिवाइड बाय टोटल फॉल, टोटल फॉल कितना है हमारा, 1 मीटर। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 1 डिवाइड बाय 1000 फॉल इन एवरी मीटर, तो फॉल इन एवरी मीटर कितना निकल के आएगा, 0.001 मीटर। अब इसको एमएम में चेंज कर लेंगे, तो फॉल इन एवरी मीटर 0.001 × 1000, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। फॉल इन एवरी मीटर 1 mm, यानी हर एक मीटर में 1 mm जो है जाएंगे हम। यहां से अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, तो अगर ऐसे 1 मीटर बढ़ेंगे हम तो ऐसे 1 mm बढ़ेंगे, ऐसे 1 मीटर जाएंगे हम तो ऐसे 1 mm जाएंगे, ऐसे 1 मीटर जाएंगे तो हम ऐसे 1 mm जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 mm हम वर्टिकली डाउन होंगे, अगर हम हॉरिजॉन्टली 1 मीटर जाएंगे तो 1 mm डाउन में जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से लाते यहां तक डिस्टेंस हमारा कितना निकल आया, 1 मीटर, और हर एक मीटर में 1 mm फॉल जाएंगे हम। तो ये हमारा जो है स्लोप दिया रखा होता है, रन दिया रखा होता है। तो फॉल कैसे निकालते हैं, इस तरह से जो है निकालते हैं। अगर कहीं आपको कंफ्यूजन हो, कहीं समझ में नहीं आया, तो कमेंट में जरूर डालना। तो इस तरह से हम हमारा अगर स्लोप दिया होता है, तो हम इस तरह से राइज भी निकाल सकते हैं, फॉल भी निकाल सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना दोस्तों, शेयर करना इसको ज्यादा से ज्यादा, और बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।